सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे उमेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गूगल फोटोज़ पर आप जो कि वीडियोस कैसे अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर गूगल फोटोज़ ऐप ओपन करना है। जैसे ही आप ऐप ओपन करते हो, उसके बाद यहां पर गूगल फोटोज़ में आने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हो वीडियोस का ऑप्शन मिलता है। यहां पर अभी आपको मैं दिखा देता हूं, मेरा जो वीडियो वाला सेक्शन है पूरा खाली है। यहां पर अभी आपको मैं वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा। वीडियो अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद यहाँ पर आपका जो भी वीडियो जिसका आप बैकअप लेना चाहते हो आपको उसके ऊपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये वाला एक वीडियो, इसको मैं अपना बैकअप लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया। आप जितने का लेना चाहो उतना आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद शेयर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको शेयर वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप शेयर वाले पे क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ पर फोटोज का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से नीचे की तरफ आओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर फोटोज के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ईमेल आईडी दिखेगा जिसको हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जिस ईमेल में आप बैकअप लेना चाहते हो उस वीडियो का, आप वो ईमेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। ईमेल सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा अपलोडिंग फोटोज़। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ी देर वेट करना होता है। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने गूगल फोटोज़ में। और अब हम यहाँ पे वीडियो वाला जो सेक्शन है इसके अंदर अभी हम देखते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड हुई है या फिर नहीं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप वीडियो अपलोड कर सकते हो गूगल फोटो में बहुत ही आसान तरीके से। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो।